नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण। मेरे इस चैनल पे आपको स्कैम से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा मुझसे जुड़े रहें और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। स्कैम के खिलाफ लड़ाई में आप भी मेरा साथ दें, तो चलिए इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं आज की इस नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग भी घर पे ही होंगे मेरी तरह और बिल्कुल बाहर निकलने का नहीं सोच रहे होंगे। निकलना भी नहीं चाहिए, पूरी मानव जाति पे, पूरी इंसानियत पे खतरा है ये। और आप गवर्नमेंट का साथ दीजिए, जो भी गाइडलाइन आती है। इतना बड़ा डिसीजन कोई यूं ही नहीं लिया गया है, ये मेरे ख्याल से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली थी। जैसा आप जानते हो, यूरोप के कई सारे देशों में ऐसा हो चुका है और मेरे सोर्स बता रहे हैं कि ये करीब 1.5-2 महीने का चक्कर होगा। ये फ़िलहाल तो ये 21 दिन का है, बट उसके बाद रिलीफ मिलती भी है तो क्योंकि इसकी वैक्सीन है नहीं, तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिए। ये इशू थोड़ा लंबा हो सकता है, लंबी लड़ाई है। सरकार का साथ दीजिए और बिल्कुल गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। बट आज की जो वीडियो है ये कोई वायरस के ऊपर नहीं है। एक्चुअली ये मुझे लगा था कि ये 20-21 दिन मेरे पास कुछ काम नहीं होगा। ये शिकार मेरे जो होते हैं ये लोग शायद नहीं करेंगे ये सब काम, बट ये अभी भी ये लोग यही कर रहे हैं, अभी भी स्कैम कर रहे हैं ये लोग। और आप देखिए, कल रात की बात है, हमारे प्रधानमंत्री साहब आके जो अपना संबोधन था देश को वो दिए, उसके बावजूद ये आज सुबह सुबह मैंने ट्राई किया और ये लोग एक्टिव थे। तो इनकी जो सोच होती है बिल्कुल अलग होती है। ये एटीएम कार्ड वेरिफिकेशन के नाम पे स्कैम कर रहा था, वो जामताड़ा वाला गैंग ही है ये। ये जामताड़ा से ही करते हैं लोग। और मैंने इसका थोड़ा समय बर्बाद किया क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी समय है अब, और मैं ट्राई करता रहूँगा, लेकिन इस समय पे भी ये लोग ये काम कर रहे हैं ये सोच के बहुत ही आश्चर्य होता है। तो मेरी क्या बातचीत हुई है, चलिए देखते हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ सर बोलिए, आपने कॉल किया था मुझे जी, वो बताइए क्या कार्ड वर्ड के बारे में बोल रहे थे कुछ। हाँ जी, आपका जो एटीएम कार्ड है सर, उसमें देखिए डेट कितना, आपका तारीख कितना है, वैलिड थ्रू डेट आपका। मेरा कौन सा, ये SBI वाला या एक्सिस बैंक वाला? एक्सिस बैंक का एटीएम कार्ड में देखिए डेट कितना, आपका तारीख कितना है। एक मिनट रुकिए, तो सब बंद है यार। आप लोग आज भी खुले हो आप लोग होगा बैंक में? एक मिनट रुकिए, अच्छा बैंक तो खुला है ना? हमारे बैंक से अभी मैसेज होगी, मैसेज को आप पढ़ पाएंगे ना? अरे मैं देखा नहीं यार, देखो एक्सिस वाला मैं निकाल, एक मिनट, कार्ड भी तो इतने हो गए ना, कुछ पता ही नहीं चलता कितने रहते हैं। हाँ है ना, कौन से डेट बताना है इसमें? उसमें देखिए लास्ट डेट कितना, वैलिड थ्रू डेट आपका। लास्ट डेट है 21 लिखा हुआ है, 6/06/21 लिखा हुआ है। कितना है इस पे लिखा हुआ है? 06 06 21 लिखा हुआ है, 21 है। उसका ऊपर में देखो आपका केवासी अपडेट नंबर है आपका, 4-4 करके चार जगह पे लंबी सी लाइन में केवासी अपडेट। हाँ, डेट का ऊपर में जो 4-4 करके जो चार जगह पे रिन्यूअल नंबर है, शुरू से बोलिए। एक मिनट, लिखा हुआ है 5346। कितना सर? 5346 5346 और 8000 1559 6104 6104 है ये, राइट सर। आप एटीएम कार्ड को सर उल्टा सेट कीजिए, बैक सेट कीजिए। देखिए काले पट्टी का नीचे में एक व्हाइट पट्टी होगी, सफेद पट्टी होगी, उसमें देखिए आपका 6104 का आगे में 3-डिजिट नंबर है बैक साइड में। काली पट्टी सफेद पट्टी क्या होता है? व्हाइट पट्टी पे देखिए बैक साइड में, उल्टा साइड में कार्ड को बैक साइड कीजिए। देखिए काले पट्टी का नीचे में व्हाइट पट्टी होगी, सफेद पट्टी होगी,
उसमें देखिए 4 या 3 डिजिट नंबर होगी बैक साइड में व्हाइट पट्टी के। 825 825 है ना? हाँ। अरे ये आप लोगों का कोरोना के लिए बंद नहीं हुआ क्या? पूरा इंडिया लॉकडाउन है, आप लोगों का खुला हुआ है? ये हेड ऑफिस द्वारा कॉल किया गया है सर, आपको यहाँ से अभी जस्ट मैसेज मिलेंगे, मैं इन्फॉर्मेशन बता दूंगा कि साथ को मैसेज मिलता है जब आप एटीएम कार्ड से रुपया लेन देन करते हैं तो मोबाइल पे आपको मैसेज होती है ना। अब समझ गया। नहीं वो भी मैं क्या पूछ रहा था, ये लॉकडाउन नहीं है क्या उधर आपके उधर ऑफिस की तरफ? नहीं नहीं सर, ये हेड ऑफिस द्वारा कॉल किया गया, जैसे आपको बैंक आना भी माना है ठीक है, ये हेड ऑफिस से आपको कॉल करके इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। ये ऑनलाइन द्वारा परचेस पूरी होती है, जैसे आप एटीएम कार्ड से रुपया निकासी करते हैं और विड्रॉ करते हैं तो मोबाइल पे आपको बैंक से मैसेज होती है ना। हाँ वो तो सही है, मैं क्या बोल रहा था, प्रधानमंत्री साहब कल बोले ना कि ऑल ओवर इंडिया लॉकडाउन हो गया है, किसी को नहीं निकलना है, आप लोग कैसे पहुंच गए वही पूछ रहा था। नहीं नहीं सर आप समझ नहीं रहे, देखिए ऑल इंडिया बंद है लेकिन हमारे हेड ऑफिस आपको बंद नहीं होती है, आपका जैसे पेट्रोल पंप बंद नहीं होती है, राशन दुकान आपको बंद नहीं होती है, इस तरह से आपका यहाँ से हेड ऑफिस द्वारा मतलब जानकारी दिया जा रहा है। यहाँ से अभी हमारे बैंक से मैसेज मिला होगा, उसमें देखो 6 अंक का नंबर मिला होगा मैसेज के अंदर के, आप चेक कीजिए हमारे बैंक से मैसेज कर दिया गया है। बैंक से मैसेज आ गया क्या? जी देखिए मैसेज मिला मोबाइल पे, मैसेज तो यार ये एक्सिस वाले का तो वो नंबर मेरा बंद हो गया शायद, उस पर तो आता नहीं है एक्सिस वाले का, एसबीआई वाले का ही मैसेज। जी जी एक्सिस का बंद, आपका एक्सिस बैंक का ये कार्ड बंद हो चुकी है ना? बंद नहीं हुआ कार्ड, वो मेरा कार्ड तो चालू है, वो मैंने वो नंबर था ना जो इस बैंक में दिया था, अरे यार वो आप लोग इसको ठीक कर दो ना, ये वाला नंबर डाल दो ना उस पे, वो मैसेज आते ही नहीं, मैं परेशान हो गया एकदम से। जी जी मैं आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, जैसे आपका दूसरा एसबीआई स्टेट बैंक का कार्ड है ना? हाँ वो उसका उसके मैसेज आते हैं, इसका वाला नंबर आप एक काम करो ना एक्सिस वाले का, एक्सिस वाले में ना वही बता रहा हूँ ये नंबर डाल दो, जैसे आप एसबीआई स्टेट बैंक का एटीएम कार्ड से जब आप रुपया निकासी करते हैं और विड्रॉ करते हैं तो मोबाइल पे आपको मैसेज मिलता है ना बैंक से? हाँ उस पे तो नहीं मिलेगा तो वो कैसे होगा, मेरा तो ओटीपी नहीं आती है, काम नहीं होता मेरा, उस पे तो सारा मैसेज आता है कितने पैसे निकाले गए। आपको यहाँ से अभी मोबाइल नंबर जो बात हो रही है एक्सिस बैंक से मैं जुड़ देता हूँ, लेकिन आपका जो आई विटनेस लगेंगे गारंटेड लगेंगे, जैसे आपका एसबीआई स्टेट बैंक का एटीएम कार्ड से रुपया लेन देन करते हैं तो मोबाइल पे बैंक से मैसेज होती है ना, मैसेज मिलता है ना मोबाइल पे? हाँ तो वो तो मिलेंगे ही ना, मैं तो उसकी बात तो मैं समझ गया आपकी, मैं क्या बोल रहा हूँ एक्सिस वाला उसका वाला तो है ही, ये जो एक्सिस वाला है ना इसका जो मैसेज आता है ना वो जो नंबर पे आता था 300 क्या नंबर था लास्ट में फोन का 3300 वो नंबर तो बंद हो गया, वो तो क्या हुआ ना वो मैंने सिम मैंने चेंज कर दिया, अब ये वाला यूज करता हूँ। हाँ जो नंबर पे अभी बात हो रही है यही नंबर आप रजिस्टर करना चाहते हैं ना? इसी को करा दो ना साहब, एकदम बहुत जरूरी है, असल में मुझे कुछ पता नहीं चलता क्या होता। मैं आपको कर देता हूँ, आपका जो एसबीआई स्टेट बैंक का एटीएम कार्ड है सर उसको आप 1 मिनट के लिए बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि आपको आई विटनेस लग रहा है गारंटेड लग रहा है, जैसे एसबीआई स्टेट बैंक का एटीएम कार्ड से रुपया लेन देन करते हैं तो बैंक से आपको मैसेज होती है ना, मैसेज मिलता है ना आपको? हाँ उस पे तो मिलता है ना, उस पे तो मिलता ही है सर आपको आई विटनेस। हाँ आपको आई विटनेस लेके ये मोबाइल नंबर रजिस्टर कर दिया जाएगा, जो आपको एसबीआई स्टेट बैंक का एटीएम कार्ड है सर उसमें देखिए वैलिड थ्रू डेट कितना है, आपका लास्ट डेट कितना है। रुको रुको निकालता हूँ, मुझे तो पीएनबी वाला तो साइड करना पड़ेगा यार, ये कहाँ से निकल आया कोरोना यार, सबको घर में बैठा दिया, परेशान हो गए सर, क्या करेंगे, हम लोग को भी दिक्कत होती है, इसके लिए आपको बैंक अधिकारी मना करती है कि घर से आप मत निकले सर, हम लोग को ऑफिस द्वारा ये काम ड्यूटी किया जाता है, जैसे सर आप पुलिस का ड्यूटी है आपको गांव गांव में घूमती है कि नहीं छानबीन करती है, हम लोग को भी कष्ट होती है सर। ये चाइना ने क्या बना के निकाल दिया यार, ये तो अजीब चक्कर हो गया एकदम से, पूरी पूरी क्या करेंगे साहब, मानव जाति पे खतरा हो गया, पूरा इंसान सारे खत्म हो जाएंगे, ये अलग रखा है सर, ये ऊपर वाला का देन है साहब जी, ऊपर वाले ने क्या किया, या तो नीचे वाले ने जिंगपिंग ने किया, ये चाइना वालों ने वुहान में पता नहीं क्या खा लिया उन्होंने, वो चमगादड़ पूरा चमगादड़ तो बहुत खतरनाक होते हैं ना, उसको क्यों खाते हैं मतलब खाके पूरा वायरस फैला दिए साले, अरे चाइना का आदमी सब कुछ खाते हैं साहब जी। वही तो, अब चमगादड़ चूहा खाते हैं बताओ, अभी कल मैं देख रहा था एक नया वायरस आ गया हेंटा वायरस, वो चूहा खा देते हैं, अभी बताओ कितने वायरस जी, कल का न्यूज में बता रहे थे, आप जानते हो ना, सोए हो आप भी जी, अब बताओ चूहा खाने की चीज होती है, हमारे यहाँ चूहे को पूजा करते हैं बताओ हम लोग तो, सही बात बोलते हैं वो गणेश जी का वो मानते हैं हम लोग साथी, और यहाँ पे उसको खा जाते हैं वो बड़े नालायक जाहिल है साहब, जाहिल होते हैं एक नंबर के, जाहिल होते हैं सब, जाहिल ही तो है ये सब, उल्टा पलटा काम करते हैं, आपको कौन सा बताऊं बीमारी हो चुकी है। हाँ अभी तो देखो ना, आप चाइना को कुछ छोड़ेगा नहीं, अभी आप देखो चाइना को ना ये डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना ये तो पूरा फायर होके रखा है एकदम से,
वो सारा बिजनेस वहां से बंद होगा, इससे इंडिया को फायदा होगा एक दो साल के बाद, क्योंकि सारी इंडस्ट्रियां जो है ना, फैक्ट्रियां जितनी है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां है अमेरिका में, तो खाली कंपनियां का नाम है सिर्फ, बनता तो सारा माल यहाँ पे है ना चाइना में, वो सारी कंपनियां वहां से भागेंगी और सब इंडिया में, बांग्लादेश, ये थाईलैंड, इधर आ जाएंगी, तो इस कंट्रियों को फायदा होगा। अभी देखो आप दो साल बाद क्या होता है, चाइना का क्या हालत होता है, उसका गोल्डन पीरियड, हाँ उसका गोल्डन पीरियड खत्म हो गया है, वो जो बहुत बेहतरी दिखाता था ना चाइना, वो सब खत्म उसका। अब इंडिया को बहुत फायदा होगा दो साल बाद, लेकिन बहुत तब तक तो बहुत लोग मारे जाएंगे ना बेचारे इनके चक्कर में। अभी क्या करेंगे, अभी हमारे ये गवर्नमेंट द्वारा लागू किया गया कि आप अपना घर से मत निकलें, तो हर व्यक्ति का ये शासन किया गया है, तो अच्छा है ना, मोदी साहब ने अच्छा किया ना, नहीं तो ये आंकड़ा बहुत बढ़ जाता है इटली, हमारे सेफ्टी के लिए, हाँ हमारे सेफ्टी के लिए अच्छा है। अभी आप सोचो इटली में क्या हो रहा है, इटली में सेकंड ओल्ड जनरेशन है वहाँ पे, मतलब सबसे ज्यादा बुढ़े लोग जापान में है दुनिया में, उसके बाद दो नंबर पे इटली में आती है, जबकि इटली की जो मेडिकल फैसिलिटी है वो तीन नंबर पे है, लेकिन उसके बावजूद, राइट, उसके बावजूद कितने 5,500 लोग मर चुके बताओ, और उनको बेचारे को क्या गलती थी, सही है उनकी क्या गलती थी, कोई गलती, लेकिन वो लोग चाइने के लिए भी हम लोग को भुगतने पड़ रहे हैं ना, वो तो बेचारे चमगादड़ देखे भी नहीं होंगे, ये खा के वहां से वो फ्लाइटें हैं सारी, तो ये बीमारी फैला दी है ना सर अभी, हाँ वो फ्लाइट लेके उड़ गए, यहाँ वहां से फ्लाइटों में बैठ बैठ के जाके कोई मिलान घूम रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है, कोई फ्रांस जर्मनी घूम रहा है, घूम घूम के सबको बांट के आ गए, इधर में हालत खराब होकर रखी है सबकी, बिल्कुल सही है, ऐसा कभी तो मैंने सोचा नहीं था, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, आपका क्या नाम हो गया, मैं नहीं सोचे थे, हम लोग भी नहीं सोचे थे कभी लाइफ में कि इस तरह का घटना हो सकते हैं हमारे देश में। बताइए आपका क्या नाम हो गया, मेरा नाम दीपक शर्मा है। दीपक शर्मा जी आप खुद सोचो, बचपन से कभी लॉकडाउन हुआ था, ये लॉकडाउन वर्ड कभी सुने नहीं थे, कभी नहीं सर, कभी लाइफ में नहीं, बताओ आज पूरी फैक्ट्रियां सारी बंद है, वो बेचारे क्या करेंगे, कहां से वायरस, पूरा रेल बंद है, पूरे हाँ पूरा ट्रैफिक सर, अभी रोड में देखिए आपका, जहां भी मतलब आपका देश पड़ते हैं वहां पे कोई भी इंसान नहीं घूम रहे हैं अभी हमारे इंडिया में। अरे लोगों की मौतें हो जा रही हैं, लोग मर जा रहे हैं, लेकिन उनको दफनाने, उनको जलाने, उनके उनका दाह संस्कार कार करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, पूरा क्वारंटाइन हो गया, सब बंद हो गया, तो निकलना भी नहीं चाहिए हिसाब से, तो निकलना भी नहीं चाहिए ना, निकलोगे तो खतरा ये जो मानव जाति पे खतरा है, ये शर्मा जी आपके ऊपर खतरा है, मेरे ऊपर ऐसी बात नहीं है, कल सही बात बोल रहे हैं, कल मोदी साहब ने क्या बोला, पूरी मानवता पे खतरा है, मानव जाति पे खतरा है, इतना बड़ा इशू है, खतरा है, हाँ आप लोग निकलिएगा मत, आप लोग यार कैसे निकल के कहाँ पहुंच जाते हैं ऑफिस यार मेरे, सर देखिए सर हम लोग ऑफिस में जैसे मुकुट लगा के घर से निकलते हैं, हेलमेट द्वारा निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, हमारे दवाइयाँ दिए जाती है ऑफिस पे, हमारे सेफ्टी के लिए डॉक्टर आते हैं, इसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ये कब तक चलेगा पता है शर्मा जी, ये कम से कम 2 महीने का चक्कर है, 2 से 3 महीने का, उसके बाद क्या होगा वो भी बताता हूँ मैं, अभी 2-3 महीने के बाद ये तो एक बार तो ठंडा होगा, क्योंकि लोग को घूमना बंद हो जाएगा, तो ये फैलना कम हो जाएगा, ठीक है एक नंबर बात, उसके बाद जब ये फिर से जब चालू करेंगे ना, तो ये फिर दूसरा वेव आएगा, सेकंड वेव फिर से आएगी, तो तब और ज्यादा ये वायरस स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि वो लोग भी तो इम्यून होते हैं ना, वायरस लोग जो होते हैं ना वो म्यूटेंट हो जाते हैं, मतलब वो क्या है, हम जो हमारी बॉडी रेजिस्ट करने लगती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, वो अपना रूप बदल लेते हैं वायरस, ये ऐसे होते हैं, इतने कमीने होते हैं ये, तो ये क्या होगा कि दूसरा जब अटैक होगा ना, दूसरा हमला अभी वुहान में होगा, देखिएगा वुहान में अभी चालू होने वाला है, फिर वहां देखिएगा क्या होगा, फिर इंडिया में वही होगा, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं निकलती है तब तक तो बहुत ज्यादा खतरा है, पूरी मानव जाति पे खतरा है शर्मा जी, बहुत बड़ा इशू है ये, बहुत बड़ा इशू है ये, लेकिन आप लोग बच के रहिएगा, देखिए सब बच के रहते हैं साहब जी, हमारे डॉक्टर यहाँ पे हर दिन के आते हैं चेकअप में, ठीक है, अच्छा वो कराते हो ना आप लोग चेकिंग वगैरह, वो मास्क पहना करो, बिल्कुल सर हर दिन चेकिंग होती है हमारे, और ये कोई भी चीज देखिए किसी भी चीज को छू के ना, वो हाथ जो है ना आपका, वो आंख में मुंह में नाक में जिंद डालना ही नहीं है, हम लोग बेकार में उंगली करते रहते हैं, जहां तहां वो चीज बंद करने रहते हैं, हाथ धो लीजिए, अगर आप उंगली करते हैं बाथरूम में जाके धो लीजिए, हाथ पांव धो के फिर साबुन से और फ्रेश हो जाइए, आप कोई भी कपड़ा में और धो के फिर से आप अपना मुकुट लगा लें, वो पूरा एकदम साफ सफाई से रहना है, देखिए स्वच्छ भारत अभियान मोदी साहब ने चला के रखा था पिछले 6 साल से, लोग मजाक उड़ाते थे क्या स्वच्छ भारत, अभी देखो सब स्वच्छ भारत के चक्कर में आ गए ना, अभी हाथ धो बैठ के दिन भर 4 बार चाइना वालों की वजह से धुला धुला के, या तो पानी बिल्कुल पूरा पानी तो हाथ धोने में निकल जाता है,
इतनी दूसरा एम्प्लॉय बैटिंग पे होती है साहब जी, मैं समझ सकता हूँ, आप एटीएम कार्ड को वन मिनट के लिए बाहर निकाल लीजिए। नहीं नहीं वो शर्मा जी, आपसे बात भले इंसान हो, आपसे बात करके अच्छा लगा इसलिए बोल रहा हूँ मैं, मेरी अंदर की भड़ास जो थी ना वो निकाल के हमको भी अच्छा लग रहा है साहब जी कि हमारे देश में इस तरह से हो रही है। और क्या करेंगे, जहाँ भी जाते हैं कहीं भी दोस्त वगैरह मिलते हैं, हर कोई यही बात बोलते हैं, फोन में भी व्हाट्सएप में भी हर दिन, आप तो देखते होंगे न्यूज में। मैं तो देख रहा हूँ न्यूज, देखे आप करेंगे क्या बताओ, पूरे दिन तो घर में बैठना है, कुछ नहीं क्या कर पाएंगे हम लोग, कुछ नहीं कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लेकिन निकलना नहीं है, ये एकदम से गांठ बांध कर नहीं, सेफ्टी से रखते हैं हमारे घर में जो भी माँ बहन है, हर व्यक्ति को आप सेफ्टी से रखिए, कोई भी हो रिश्तेदारी में है कोई भी, तो आप उसको समझा के रखें कि घर से ना निकले और आप बच के रहें। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात बोल रहे हो आप शर्मा जी, आप लोग क्या है ना, आप लोगों की वजह से देश चल रहा है, मेरा चैनल चल रहा है आप लोगों की वजह से, क्योंकि नहीं तो क्या होता है ना, नहीं तो क्या है कि अभी पुलिस वाले बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाओ तो फिर काम कैसे होगा, ऐसा होता है ना। नहीं नहीं नहीं, अभी देश को किसी भी तरह से जिंदा रखना है सर, अगर हर व्यक्ति घर से निकलना बंद कर देंगे तो बोलिए हमारे देश का क्या हाल हो जाएंगे। बिल्कुल, मेरा चैनल का भी क्या होगा, ऐसे तो बंद हो जाने से तो काम ही खराब हो जाएगा, मैं दो दिन से परेशान हूँ। वही तो बता रहा हूँ, कोई मिल ही नहीं जाता मुझे, एक भी कार्ड नहीं था। अभी सुनिए, अभी क्या बताना है मुझे, ग्लोबल वाला बताऊँ या SBI कार्ड, ये जो सेव SBI का कार्ड का देखिए लास्ट डेट कितना है। एक मिनट सर, ये दो कार्ड है ना मेरे पास, एक सिंपली सेव है वो जो टचलेस होता है, उसमें जो वाईफाई का सिग्नल होता है ना वो वाला है, और एक है ग्लोबल वाला, तो मैं कौन सा बता दूं आपको। ग्लोबल वाला निकालिए, ग्लोबल वाला निकालता हूँ, ये लीजिए मेरे पास छह कार्ड है, एक्चुअली दुनिया भर के कार्ड हो गए आजकल, बैंक में जाओ ना हर कोई बैंक कार्ड पकड़ा देता है कोई ना कोई अलग अलग। अब बताओ SBI के दो कार्ड देने, तीन दो कार्ड देने की क्या जरूरत थी, दे दिए उठा के। जी बिल्कुल, अभी आप देखिए आपका जो रिन्यूअल नंबर है शुरू से बोलिए, स्टार्टिंग से 9599601 00 8238 4188 9 4 8 नहीं आप लास्ट वाले चार में गड़बड़ा जाते हो, 4189 4189 है ना। हाँ शर्मा जी 4189, इसका नीचे में डेट कितना है, डेट है इसमें देखिए मैं बताता हूँ आपको, वैलिड थ्रू है 08/17 और वैलिड फ्रॉम लिखा हुआ है वो, अच्छा सॉरी वैलिड फ्रॉम लिखा हुआ है 08/17 और वैलिड थ्रू है 07/22 है। बैक साइड का थ्री डिजिट नंबर कितना है, व्हाइट पट्टी का व्हाइट पट्टी का नंबर मैं आपको बताता हूँ, उसका नंबर है 4169177, ये पूरा नंबर हो गया इसका। देखिए मोबाइल पे मैसेज मिला आपको, जस्ट ए सेकंड शर्मा जी मैं अभी देख के बताता हूँ आपको, देख लीजिए। अच्छा शर्मा जी एक बात पूछने भूल गई जी, मैं अभी आप नाराज तो नहीं जाओगे, मैं आपसे पर्सनल बात पूछ, नो आई एम सॉरी सर, नाराज नहीं होगे ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो शर्मा जी ये देखिए पूरे देश पे इतनी बड़ी आपदा आ रही, आपदा आई हुई है, मतलब लोग मर रहे हैं, लोग घर में छुपे हुए हैं, डरे हुए हैं, ऐसा है ना अभी तो ये आप लोग अभी भी ये वाला कार्ड वाला धंधा कर रहे हो तो नहीं करना चाहिए ना, इस मुसीबत की घड़ी में देश का साथ देना चाहिए आपको। बिल्कुल सही है, तो आप अभी भी ये सब कार्ड का वाला धंधा कर रहे हो, मतलब अभी भी फंस रहे हैं लोग, क्या बोले सर, इस कार्ड वाले धंधे में लोग फंस रहे हैं अभी भी, मैं क्या पूछ रहा था, क्या कार्ड वाले धंधे थे सर, ये जो आप लोग कार्ड का OTP लेके पैसे ट्रांसफर करते हो वो काम अभी भी हो रहा है, मतलब ये तो बहुत पुराना हो गया ना शर्मा जी। हाँ ये बहुत पुराना हो चुका है, तो अभी भी आप लोग ये सब कर रहे हैं मतलब। और दोस्तों इतना ही बोल के इसने फोन कट कर दिया और इसके बाद बात नहीं की मुझसे, मैं कई बार ट्राई भी किया तो ये फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। मैं इसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए ये मेंटेलिटी इनकी जो है ये बिल्कुल लोगों के समझ के परे होती है, ये आज के दिन भी लोग गरीब घर पे बैठे हैं, उनके पास डेली खर्चे के लिए पैसे नहीं है, इस मौके पे भी जब पूरा देश एकजुट हो गया है ये लोग अभी भी अपना धंधा कर रहे हैं, तो बहुत ही बुरा लगता है। मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं इनकी इनके बारे में क्या बोलूँ मैं, बस यही है कि इस तरह की कभी कॉल आए या इस तरह से कोई भी आपको OTP वगैरह या कार्ड के डिटेल पूछे तो मत बताइएगा, टोटली स्कैम होता है। तो बस यही था आज के लिए, सावधान रहें, जय हिंद।